हाय गाइस, वीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर वीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएँ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोथेरेपिस्ट किन रोगियों का उपचार करता है? इसका ऑप्शन है, किसी कार्य की अक्षमता से ग्रस्त, पेशी कंकाल तंत्र के रोगों से पीड़ित, मानसिक रूप से अपंग, बीमारी या चोटग्रस्त व्यक्ति के रोग का निदान। फिजियोथेरेपिस्ट पेशी कंकाल तंत्र के रोगों से पीड़ित रोगियों का उपचार करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर की चोट में कौन से प्रकार के बैंडेज प्रयोग में लाई जाती है? स्पाइरल, सर्कुलर, कैप लाइन, स्पाइका। सिर की चोट में कैप लाइन बैंडेज प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर बोन के फ्रैक्चर हेतु किस प्रकार का बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए? टी बैंडेज, स्पाइका कास्ट, कैपलाइन बैंडेज या आठ के आकार का बैंडेज। तो कॉलर बोन के फ्रैक्चर हेतु टी बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडेजिंग करते समय पट्टी का प्रत्येक चक्कर इस प्रकार से पूरा करना चाहिए कि वह क्रम से पिछले वाले की दो तिहाई ढकता हुआ आगे बढ़े, आधा ढकता हुआ आगे बढ़े, एक तिहाई ढकता हुआ आगे बढ़े, पूरा ढकता हुआ आगे बढ़े। तो बैंडिंग करते समय पट्टी का प्रत्येक चक्कर इस प्रकार से पूरा करना चाहिए कि वह क्रम से पिछले वाले की दो तिहाई ढकता हुआ आगे बढ़े। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कैटगट होता है कृत्रिम अवशोषक टाँका, कृत्रिम गैर अवशोषक टाँका, प्राकृतिक अवशोषक टाँका या प्राकृतिक गैर अवशोषक टाँका। तो कैटगट प्राकृतिक अवशोषक टाँका होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर कास्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन हैं, कास्ट लगे हुए एक्स ट्रीमेट्री को हवा का परिवहन बढ़ाने एवं डाइंग को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक 1 से 2 घंटे बाद पलटना चाहिए, यह सत्य है। कास्ट लगे हुए एस्ट्रीमेट्री को वेनस ड्रेनेज बढ़ाने हेतु 24 से 48 घंटे तक ऊंचा कर रखना चाहिए, यह भी कथन सत्य है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तथा संक्रमण प्लास्टर कास्ट की जटिलताएँ हैं, यह भी कथन सत्य है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैक्चर के उपचार के लिए आंतरिक फिक्सेशन उपकरण जैसे प्लेट या छर आदि का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? क्लोज्ड रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, रिडक्शन ट्रेसन या मैनिपुलेशन। फ्रैक्चर के उपचार के लिए आंतरिक फिक्सेशन उपकरण जैसे प्लेट या छर आदि का प्रयोग ओपन रिडक्शन में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी का क्लोज्ड रिडक्शन किस नाम से जाना जाता है? मैनिपुलेशन, ऑपरेटिव रिडक्शन, ट्रैक्शन रिडक्शन या अस्थाई रिडक्शन। हड्डी का क्लोज्ड रिडक्शन मैनिपुलेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी भुजा प्लास्टर कास्ट किस फ्रैक्चर के उपचार में प्रयुक्त होता है? इसके ऑप्शन है, कार्पल एवं मेटाकार्पल अस्थियों के फ्रैक्चर में, अग्रभुजा की अस्थियों जैसे रेडियम के फ्रैक्चर में, टार्सल तथा मेटाटार्सल अस्थियों के फ्रैक्चर में, निचली टांग की अस्थियों जैसे टीबिया फिबुला में फ्रैक्चर होने पर। तो लंबी भुजा प्लास्टर कास्ट अग्रभुजा की अस्थियों जैसे रेडियस के फ्रैक्चर में उपचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लंबी टांग प्लास्टर कास्ट किस प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज में बांधा जाता है? कार्पल एवं मेटाकार्पल अस्थियों के फ्रैक्चर में, अग्रभुजा की अस्थियों जैसे टीबिया फिबुला में फ्रैक्चर होने पर, टार्सल तथा मेटाटार्सल अस्थियों के फ्रैक्चर में, निचली टांग की अस्थियों जैसे टीबिया फिबुला में फ्रैक्चर
होने पर। लंबी टांग प्लास्टर कास्ट, निचली टांग की अस्थियों जैसे टिबिया फिबुला में फ्रैक्चर होने पर इलाज में बांधा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप एवं अंगूठे की संधि पर लगाया जाने वाला प्लास्टर कास्ट कहलाता है विलो नी प्लास्टर, एबॉब नी प्लास्टर, स्पाइका कास्ट, बॉडी कास्ट। तो हिप एवं अंगूठे की संधि पर लगाए जाने वाला प्लास्टर कास्ट स्पाइका कास्ट कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज में प्लास्टर कास्ट लगाने का उद्देश्य है कि एक मरीज में प्लास्टर कास्ट क्यों लगाया जाता है? शरीर के किसी भाग को गतिहीन करना, विकृति को सही करना, फ्रैक्चर से संबंधित दर्द को दूर करना, कमजोर जोड़ को सहारा प्रदान करने हेतु। एक मरीज में प्लास्टर कास्ट लगाने का उद्देश्य है कि वह शरीर के किसी भाग को गतिहीन करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? स्पेंट, ट्रैक्शन, प्लास्टर कास्ट या पोस्टीरियर ड्रेनेज। तो एक फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए पोस्टीरियर ड्रेनेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रैक्चर के इलाज के दौरान सर्जरी के द्वारा हड्डी का रिडक्शन कहलाता है क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, रिडक्शन ट्रैक्शन या मैनिपुलेशन। तो एक फ्रैक्चर के इलाज के दौरान सर्जरी के द्वारा हड्डी का रिडक्शन ओपन रिडक्शन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मरीज को लंबी टांग कास्ट हटाने के बाद क्या सलाह देनी चाहिए? टांग को साफ रखना, बैठी हुई स्थिति के दौरान टांग को ऊंचा रखना, प्रतिदिन व्यायाम करना, कोई परेशानी होने पर रिपोर्ट करना। एक मरीज को लंबी टांग कास्ट हटाने के बाद उसे बैठी हुई स्थिति के दौरान टांग को ऊंचा रखने का सलाह देना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्चर स्ट्रेनस एवं डिसलोकेशन के इलाज हेतु प्रयोग में ली जाने वाली उपचार पद्धति है। इसका ऑप्शन है पोस्टीरियर ड्रेनेज, हवा के गद्दों का उपयोग, स्पिंटर्स या मरीज को कृत्रिम ऑक्सीजन देना। तो फ्रैक्चर स्ट्रेनस एवं डिसलोकेशन के इलाज हेतु स्पिंटर्स उपचार पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रुधिर दान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पिछले 3 माह में रुधिर दान ना किया हो, यह सत्य है। निराहारी होने पर व्यक्ति से रुधिर नहीं लेना चाहिए, यह भी सत्य है। रुधिर दान करने वाले व्यक्ति के पश्चात व्यक्ति को अगले 1 घंटे तक मुंह द्वारा कुछ भी नहीं देना चाहिए, यह कथन असत्य है। और रुधिर दाता को हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, यह कथ्य सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यह हमारा कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मरीज रुधिर ट्रांसफ्यूजन के दौरान फ्लैंक दर्द, चिल्स बुखार एवं हिमेट्यूरिया की शिकायत करता है तो ये लक्षण किस जटिलता को प्रदर्शित करते हैं? इसके ऑप्शन है एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एनोफाइलेटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या पाइरोजेनिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यदि एक मरीज रुधिर ट्रांसफ्यूजन के दौरान फ्लैंक चिल्स बुखार हीमेट्यूरिया की शिकायत करता है तो ये लक्षण हीमोटाइलिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जटिलता नहीं है? एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन, परिसंचरणी ओवरलोड या हाइपोटेंशन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जटिलता नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उद्देश्य नहीं है? रुधिर के आयतन को रिस्टोर करना, यह है हीमोग्लोबिन के स्तर को उठाना,
यह भी है, और शरीर में प्लाज्मा प्रोटीन की कमी को पूरा करना यह भी है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उद्देश्य हाइपर वोलेमिया का उपचार करना नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।